गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैंने सोचा सुबह सुबह चाय वाय ना पी का प्रोटीन तो शुरुआत करते हैं। थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है उसका, मतलब मेरे को पता कैसे चल रहा है, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स में मैंने पढ़ा कि मेरे तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई तुम कौन सा प्रोटीन ले रहे हो, भाई तुम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या डाइट ले रहे हो, थोड़ा सा मतलब ज्यादा ना, थोड़ा बहुत ही पूछ रहे हैं। तो वे वाले पूछ रहे होंगे जो जिन्होंने मेरी तरह अपना सिस्टम खराब कर रखा है, या फिर जो अपना थोड़ा सा जिम विम अभी शुरू करी होगी। बताऊंगा अभी थोड़ा सा मेरे अंदर फर्क आने दो, फिर धीरे धीरे तो मैं सारी चीजें बताऊंगा कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, कैसे कैसे। अभी बिना फर्क आए अगर बोलूंगा तो फिर वो वाली बात हो जाएगी कि खुद में कुछ है नहीं और दाएं दाएं करने शुरू कर दी, तो वो चीज ठीक नहीं है। क्यों अम्मी जी, जब तक खुद के पास पूरा ज्ञान ना हो तब तक ज्ञान देना चाहिए ना। पहले अपने अंदर तो मैं कुछ फर्क दिखा दूं, अभी टाइम लगेगा यार, मैं क्योंकि मैं वो पहले वाली डाइट पे ना जा रहा कि भाई कुछ खाऊंगा ही ना, रोटी छोड़ दी, उससे फिर ना वो हो जावे कि जान सी खत्म हो जावे। जैसे मैं पंजाब लड़ाई करता तो जान सी खत्म रह करती, और आज की डेट में फिलहाल अभी इतनी मतलब ऐसा है कि कोई दिक्कत ना है, कोई भी आ जाओ, कोई टेंशन वाली बात ना है। कहने का क्या मतलब है कि कोई भी आ जाओ, कर सके तो पंजे में किसके साथ लड़ सके। कोई भी। मम्मी आपने भरोसा दिया मेरे पे, इस तात तो एक सेकंड मारा दूं मैं, एक सेकंड में ना तीन सेकंड मारा दूं। चलो और बताओ, ये तो खूब तगड़ा है, है? अरे छोटा है वो। तो फिर क्यों होगा, बाइसेप तो 16 का है इसका, बिना जिम गए। हाँ तो क्यों ना हो भाई, फर्क तो पड़े ही है, ठीक है। और इसमें वो रहे मतलब जान की बात रहे, जान बतेरी, पंजे में तो ना जान दूं मैं, मतलब ऐसी बात ना कि किसी तरह हारूंगा पर बहुत सारे लोगों को हरा सकता हूँ, बहुत मतलब ये समझ लो तुम अगर सोते लड़ाऊंगा तो सोते ही जीतूंगा। हैं? अरे किसी ने बहुत घमंड हो जाएगा फिर तेरे ऊपर। किसने? है कोई इंसान? ऐसा कौन इंसान है, आप? पर ऐसा ना है, मतलब घमंड वाली बात ना, ऐसे तो हार भी सके, पर मैं तो भाई फिर भी आईडी दे रहा हूँ, तुम्हें सो में तो सोते जीत जाऊंगा ना यार, सो में सोते ना जीतेगा नहीं, 99 तक एक तो कोई ना कोई हरा ही देगा। मीना मेरे पे घमंड किसने हो जाओ तो बताओ, है? है कोई? अरे बताओ तो सही, ऐसा कौन है जो मेरे पे इतना वो भरोसा करे, पता तो होना चाहिए मुझे भी। तेरे मामा। ओ बबलू मामा। तो मामा ने तो है ही, मामा ने पता ना है, मामा के सामने मैंने रिजल्ट दिखा रखा कई बार, तो उसने बहुत ज्यादा घमंड हो जाएगा फिर अपने आप को। हाँ तो अब आज की डेट में अभी मतलब जैसे मैंने जिम विम शुरू कर रखे हैं थोड़ी सी, तो अपने आप में रहनू है कि हाँ कोई दिक्कत ना है, आ जाओ। कोई जब जिम ना कर रहा था उस टाइम थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि यार थोड़ी जान सी कम, पर फिर भी मैं ऐसा ना कि किसी तक एक तरफा हार जाता, मतलब अपने बराबर के देता, ऐसा ना कि भाई कोई हो ही इस चीज का खिलाड़ी मेन तो उससे तो हार जाऊंगा, पर हाँ कोई टक्कर का सा हो तो हरा दूंगा, कोई दिक्कत ना है। और मामा ने देख रखे हैं लाइव मेरे एग्जाम्पल, तो मामा ने पूरा भरोसा होएगा वैसे भी। हाँ तो ऐसे ही होना चाहिए, आप भी ऐसे ही करते करो, कोई दिक्कत ना होगा, मारा छोरा जान जाएगा बस। मैं अपना प्रोटीन पी लेता हूँ, उसके बाद एलविश आ रहा है एक बार अपनी गाड़ी लेकर, उसने नई फॉर्च्यूनर ली है, तो देखते हैं कैसी सी लगेगी। वो वाली नहीं फॉर्च्यूनर ना, लेजेंडर ली है, सॉरी मेरी गलती है भाई, माय मिस्टेक। देखूंगा मतलब फॉर्च्यूनर जो मोसा जी वाली है उससे कितनी अलग है, कैसी है, मैं पहली बार देखूंगा चला के, अभी थोड़ी सा टेस्ट ड्राइव लेंगे, कैसी है कैसी भगने में, कैसी है कैसी ना, किसी खुले रोड पे लेऊंगा, पर जहाँ बढ़िया भग सके, यहाँ तो मतलब ऐसा रोड है ना, यहाँ ज्यादा ना भग पाएगी, यहाँ तो 80 तक भगेगी, कहीं यहाँ सूर्य 160 तक जा सके, देखते हैं जिस हिसाब के भी रहेगा। फिलहाल तो मैं मुंह धो लेता हूँ, मैंने मुंह भी ना धोया सुबह तक, ज्यादा बुरा तो लगना रहा, वैसे कपड़े चेंज करने की जरूरत है ना, पर देख लेता हूँ। मैंने अभी भूख ना लग रही थी, लेकिन मम्मी ने रोटी बिल्कुल भूल गई, इतनी मोटी भूल गई एकदम, तो मेरा ऐसा मन करा कि फूली फूली मैं इसके पेट में मारूं वो चक्कू नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, चम्मच घी की पच, और इसके अंदर घी भरकर खा जाऊं आलू गाजर की सब्जी के साथ। मम्मी मारना इसका मटर कर दो मम्मी, वेरी गुड। अरे इतना ना करना था, एक रोटी खानी है मम्मी ने यार, ला वो दे दो, है आलू गाजर दे दो। तो चलो आप इतना जिद कर रहे हो तो दो खा लेता हूँ, वरना मैं खाता नहीं, भूख नहीं लग रही थी। मम्मी की एक रोटी की तारीफ क्या कर दी, मम्मी ने अगली रोटी पापड़ बना के दे दी। अनु कह रही मैं क्या करूँ, फूल रही थी वो फूट गई। अरे यार मम्मी के मतलब ये जिंदा पापड़ है वो, तो जो मैंने तारीफ भी तो करी, कितनी बढ़िया तारीफ करी, मैंने कहा फूल रही थी खाने का मन कर रहा था, कितना बढ़िया तरह बताया मैंने ना तुझे, चलो तुम्हें आज लेजेंडर दिखा देता हूँ। आ गया सोसाइटी के अंदर तो घुस गया, अप्रूवल आ गया था, जतिन के पास आएगा मेरे द्वारा आयना करे, पर अभी तक यहाँ ना आया है। ओह ये तो वो नहीं है, ये तो कुछ और गाड़ी है, वो तो अलग ही दिखेगा, छोटा सा आएगा एकदम में, अभी तक मुड़ा नहीं है, मुड़ जाए तो यहीं से दिखा देता तुम्हें झलक। यो आ गए ये ना, हाँ तो अमीरन वाली गाड़ी लग रही है यार, ये तो रईसों वाली गाड़ी है भाई, रईसों वाली गाड़ी बैठ जाओ। तो गाइस हमारा सीन बन गया रेस का, रेस की हमारी पूरी पूरी बात हो गई, ठीक है। हम कल जहाँ तक है
अभी भी, और इसकी डंपर रख दिया इसने अपनी गाड़ी का नाम, फॉर्च्यूनर नहीं कहेंगे, लेजेंडर नहीं कहेंगे आज, इसे डंपर कहा जाएगा, ठीक है। तो डंपर और हबीबी का रेस होएगी, उसके बाद होएगी फिर बीएमडब्ल्यू और इसकी डंपर की, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा यार मैं स्कॉर्पियो तो मैं चलाऊंगा, जतिन कह रहा था इस तरह बीएमडब्ल्यू तो लगाने की, तो मैंने कहा चल तुम दोनों लगा लेना, हम लगा लेना। फिलहाल तो हम खाना आए हैं कुछ के लिए भाई, सब वे ले लेते, चल मैं तो वो ना ले सकूं, वो ले लूंगा सैलेड ले लूंगा, पर जिम चल रही है ना अभी, वहां जाकर सब लूंगा, वैसे ही कह रहा हूँ अरे ना वही लूंगा, और वो ले लूंगा कुकीज, उसमें वो ना सब खाऊंगा, सब खाऊंगा, आज संडे है सब खाऊंगा, चीट डे आज, कोई दिक्कत ना, चल आज ले लेते। प्लान में हमने थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज कर दिया है, हम जा रहे हैं अभी मैकडी, वहाँ तक ड्राइव थ्रू तो लेगा, गाड़ी में बैठ खाएंगे क्योंकि बाहर हो रही है ठंड, और हम नहाए धोए से भी नहाए, लोग भी तो ज्यादा है ना, घेर लेंगे हमको तो वहीं जा, और तेरी ऐसी व्लॉगिंग के चक्कर में भी गर्दन कट जाती, टाइटल मिल गया मर गए ना, ना, ना बच गए तो वहीं जा, ओ रिलैक्स कर रखिए भाई, मुड़ गए पैर मुड़ गए एकदम नहीं, अरे बेटा अभी तो मना कर दी देर तक, दरवाजा मत खींच ले, मुंह पाएगा। खाने का ही प्लान बन रहा था हमारा, लेकिन रास्ते में अभी जो इन्होंने घर बनाया अपना वहाँ पड़ रहा था, तो पहले मैंने अभी घर देखा भाई, मतलब पैसा लगा रखा मोटा, अभी तो और लगेगा, पर बढ़िया बना रखा। अभी मैं चौथे फ्लोर पे खड़ा हूँ, ये जो तुम आसपास घर देख रहे हो इनमें सब तो ऊंचा घर है इनका, अभी जब तैयार हो जाएगा इसने, मतलब मैंने जो मेरा फेवरेट है, मेरे को डुप्लेक्स पसंद है, मतलब मैंने एक बार देखा था, मैं मेरे किसी यार दोस्त में किसी के पास है ही ना डुप्लेक्स, मतलब घर होगा ऐसा, इन्होंने ऊपर वाला जो इसने अपना रूम वूम बनवाया ना, अपना कमरा वमरा जहाँ बनवाएगा, मतलब अपना फ्लोर जो बनवाएगा बेसिकली, वो डुप्लेक्स है भाई, देखने मतलब जब तैयार हो जाएगा, जब इतना लग्जरी लगेगा तभी दिखाऊंगा, अभी ना दिखा रहा, मैंने कहा अभी पूरा हो जाने दे, क्योंकि नीचे आएगा थोड़ा सा काम वाम तो चल रहा है, मिस्त्री विस्त्री लग रहे हैं, जब पूरा हो जाएगा ना तैयार, या मतलब मोटा मोटा एक साल में ऐसा हो जाए महल बना देंगे। ओ क्या व्यू आ रहा भाई तेरे पीछे, सूरज ले, ओहो सूरज ही हो गया भाई, इंगे जावे इंगे तो मैं ऐसे ले लेता हूँ, इंगे आइए थोड़ी देर, थंबनेल के लिए फोटो आ जाएगी यार, आओ थंबनेल के लिए तो गाड़ी के साथ लगाऊंगा ना, यहाँ तो अभी सीढ़ी लगवा रखी है, ऊपर चढ़ने के लिए पांचवें मंजिल पर चढ़ गया भाई, पूरा भाई पहले वो बनवा रहे थे स्विमिंग पूल, फिर बनवाया क्यों ना यार, बनवा देता, अभी बात चल रही पापा, आज कर लियो नीचे आओ पापा बात कर ले, चलो अंकल तो बात करना वैसे मुश्किल काम है, पर ट्राई करेंगे, पूछ लो कि स्विमिंग पूल कहाँ है नाइंग में साथ या तो मेरे बनवा लेता पंडित ही तो हूँ तो मैं पंडित ही तो हूँ आंटी तो कहूंगा आज अच्छा आ रहे क्या अंकल तो बात करते हैं, मैंने कहा अंकल इसमें स्विमिंग पूल और बनाओ, जब बनेगी बात वो उतार, तभी व्यू दिखा देता हूँ, लो घना ही बड़ा है, इसे बाहर ही फेंक दियो कूड़े हैं, ओके ब्रो सी यू। तो भाई हम खा पी का आ गए, वहाँ हमने वीडियो ना बनाई, हमारी बात चल रही थी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टाइप की, फिर मेरे को याद आया, मैंने कहा मैं ये खा तो लिया इसे, अब वो भी तो करना है, नमस्कार भैया, तो क्या कह करा जिम जाके इसे खत्म भी तो करना है, वरना फैट बढ़ जाएगा दोबारा, बड़ी मुश्किल था, तो मैं थोड़ा बहुत ठीक सा हुआ हूँ, मतलब अभी ठीक ना हुआ, पर फिर भी इन है कि पहले तो थोड़ा सा ठीक होगा, तो उसी के चक्कर में मैंने कहा अब जाके सीधा घर जाके व्लॉग एडिट करके फटाफट डाल के अपलोड करके फिर सीधा निकलूंगा जिम, अरे जिम ना निकल पाऊंगा यार, पटियाला का फोन आया था कहीं जाना है, तो शायद मुझे जाना पड़ेगा, एक बार बात करता हूँ पटियाला, तो जैसे भी ऊपर जाके लिफ्ट ही ना आ रही, देखो कितनी देर पहले दबाया था, अब तक 6 पे ऊपर जा रही है, नीचे आना तेरी ऐसी तैसी, ओके पीटीआई सर, ओके पीटीआई साहब ठीक है जी, यही हूँ मैं, हमारे पीटीआई साहब घूमने जा रहे हैं नीचे थोड़ी देर के लिए, हमें जैकेट सच में ऐसे पीटीआई वेयर कर रहा था, वैसे मतलब बढ़िया लग रही है आपको, ऊपर तो जम रही है, सच में ही जम रही है, बढ़िया लग रहा है, बस क्यूट से लग रहे हो वैसे तो कोई दिक्कत ना, पर ऐसी सी लग रही है, ऐसे आराम थोड़ा थोड़ा फील है, स्कूल में पीटीआई सर जैसे वो शिव नरेश की ना पहले करते शिव ने मतलब ना, सही है जैकेट तो सही है, डन बिल्कुल, गर्म है ना, गर्म ना है तो फिर के करोगे ले जाके हाँ, तो ये मम्मी कपड़ा फिर ऐसा है, गर्मी ज्यादा ठंड लगे, अरे ये घर ऐसा ही है यार, ये घर चेंज करवाना पड़ेगा, मैंने ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ धूप ना आ रही, मम्मी ने धूप ना मिल रही, और मेरी मेरी मम्मी है जादू, तो जादू मम्मी ने धूप चाहिए, बिना धूप तो उठा ही ना, मम्मी घुटने घुटने जाम हो जाए, हमारे पे वो तो एक मैट है जो चला दो ना तो गर्म हो जावे, उस पर गर्म पे लेटे रहो, कमर उमर में दर्द हो तो किसी का ठीक हो जाएगा, वैसे जादू ही सा मैट है, तो मम्मी उसने लेटे रहा अपने चालू करके,
दिन में भी रात में भी, मतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए, ऐसा ना कि लगातार थोड़ी थोड़ी देर लेटे रहे। एक एक चीज छूट गई मैंने, वो हम बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर रहे थे तो पता ना चला, वो टेस्ट ड्राइव नहीं ले पाया मैं भूल ही गया, बिल्कुल ही दिमाग से निकल गई वो चीज। कोई बात ना, अगली बार लेंगे देखेंगे। वैसे तो मैंने चला रखी फॉर्च्यूनर पर लेजेंडर ना चलाई मैंने, एक बार देखेंगे ट्राई करके। कोई बात ना, अगली बार वो तो कल फिर मिलेंगे, मतलब कल परसों जब मिलेंगे जब कर लेंगे, कल रेस भी तो करेंगे, देखेंगे जब करेंगे तो देख। स्कॉर्पियो था तो मैंने पूरे पूरे चांसेस है कि भाई हार जाएगी अपनी हबीबी, पर बीएमडब्ल्यू ना जान दे रही कहीं तक भी। स्कॉर्पियो की भी मैं कोशिश करूंगा, स्कॉर्पियो का देखते हैं हारेगी वो कहाँ 17-18 लाख की, वो कहाँ 40-45 लाख की, तो फर्क है, पर देखेंगे अपनी तरफ से अपना बेस्ट देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को कर देता हूँ खत्म, क्योंकि मेरे को नहा के निकलना है फंक्शन में पटियाला के साथ। मैं पटियाला संदीप पंडा हम चारों जाएंगे, देखेंगे जैसे जाएंगे आपको अगले ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ले तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। एडिट करके डालना भी है, मतलब एडिट भी करनी है, अपलोड भी करनी, ठीक है, टाइम तो पता लग जाता है, फिर भी मैं अपना बेस्ट दूंगा, फटाफट एडिट करके डालता हूँ, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, 5 लाख पूरे करवा दो जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी। क्या कह रहे हैं मम्मी, अगले ब्लॉग मिलेंगे, बाय।